न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले जहां मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि से अब तक 12 जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा। बता दें कि ओलावृष्टि से गेहूं और चने की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एमपी के 24 शहरों में जहां पर 2 इंच तक बारिश दर्ज की गई, 16 जगह ओले गिरे और मुख्यमंत्री ने बारिश से और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ उसको लेकर फसलों के सर्वे के निर्देश दिए हैं। मंत्री, विधायकों और सांसदों को सीएम ने निर्देश दिए ओला प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल जाकर रिपोर्ट दें। ये बात कही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और कहा कि रिपोर्ट आने के बाद किसानों को तत्काल राहत मिलेगी। एक तरफ बेमौसम बारिश की वजह से किसान परेशान हैं और गेहूं और चने की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई। कई जगहों पर ओलावृष्टि की खबरें सामने आई, तस्वीरें सामने आई हैं और भारी ओलावृष्टि की वजह से जो फसलें थी, कई एकड़ फसलें बर्बाद हो गई, चौपट हो गई। इसी के साथ यहाँ पर किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि उन्हें राहत राशि मुआवजा कब मिलेगा। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निर्देश दे दिया है। कल जो मंगलवार की रात में जो पानी आया था, सोमवार की रात में आया था, मंगलवार की रात में आया था जो पानी, उसमें मेरे गेहूं की फसल पूरी आड़ी हो गई है और इसका 70-80% नुकसान हुआ है। मैं अभी देखिए, आपने जो फसल है पूरी तरह नष्ट हो गई है, तो किसान ने करना क्या? किसान ने यहाँ तक तो पूरा कर्जा लेके करा है घर पे, जिसके घर बेचारे अगर शादी तो वो तो फांसी लगा के मरने वाला काम है। मंगलवार की रात में जो बारिश और बहुत से क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की फसलें लगभग 40% प्रभावित हो चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी है, कृषि विभाग है, ये जमीनी सर्वे कब करेंगे? 11 कुड़ा चना बोया, 8-3 कुड़ा गेहूं बोया, तो पूरा नुकसान हो गया। काय से हुआ? ये पानी गिरने से भी हो गया और पानी नहीं आया पहले तब काय का बोले। वो मक्का भया था बारिश, वो पूरा बेच डालो, ट्रैक्टर चलाया, डीजल लाया, बोया, वो पूरा बर्बाद हो गया। हम 80-90 कुंटल का नुकसान। अच्छा, बोए थे अपन ने सब्जी भाजी वगैरह, मटर, चना वगैरह, जैसे ये गेहूँ जो बोए हुए थे, ये ओलावृष्टि की वजह से मतलब पूरी फसल चौपट हो चुकी है। इससे काफ़ी नुकसान हुआ, जो कर्जा बाड़ी लेके हमने खेती में जो पैसा लगाया था। तो ओलावृष्टि और बारिश से कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां नुकसान हुआ, आपको बताते हैं। छिंदवाड़ा, खंडवा, टीकमगढ़ में ज़्यादा नुकसान पहुंचा। रतलाम, अनूपपुर, ग्वालियर में भी क्षति हुई है। सत्ता, आगरमालवा और देवास में भी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, चना, सरसों की फसल ज़्यादा प्रभावित हुई है ओलावृष्टि की वजह से। बता दें कि दानों में वजन नहीं रहेगा, जो नुकसान हुआ है हम आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं कि आखिर किस वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। जो दाने होते हैं उन दानों में ज़्यादा वज़न नहीं रहेगा, तो इस वजह से यहाँ पर जो किसानों की फसलें हैं वो चौपट हो चुकी हैं ओलावृष्टि की वजह से और बेमौसम बारिश की वजह से भी नुकसान पहुँचा है किसानों को, क्योंकि किसानों ने जो फसल बोई थी वो खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। अब तक 12 जिलों में फसल को नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश, आंधी और जो ओले थे और ओले गिरने से खेत तबाह हो गए हैं। और इस बीच यहाँ पर मुआयना होगा, सर्वे होगा। बता दें कि 6 जिलों में भारी नुकसान पहुँचा है, जिसमें निवाड़ी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, टीकमगढ़ में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी के साथ यहाँ पर रतलाम, अनूपपुर, ग्वालियर में क्षति ज़रूर हुई है। सतना, आगरमालवा और देवास में भी नुकसान हुआ है। और इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए, तमाम जानकारी उनसे लेंगे। राजधानी भोपाल से राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बैतूल से अमित पवार और साथ ही खंडवा से इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। कई जगहों पर, कई जिलों में ओलावृष्टि, तेज बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। सर्वे कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं और क्या माना जाए कितना वक्त लगेगा, कब तक सर्वे होगा, कितनी जल्दी राहत मिल पाएगी किसानों को? राकेश, देखिए बिल्कुल अभी हम देखें कहाँ नुकसान हुआ है, जिसमें निवाड़ी, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा और टीकमगढ़, ये वो 6 जिले हैं जहाँ पर सबसे अधिक नुकसान हुआ है और
टोटल जो मध्य प्रदेश में जिले प्रभावित हुए हैं उन जिलों की संख्या 12 है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि तत्काल सर्वे शुरू किया जाए, लेकिन एक चीज बताना, राकेश मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है राकेश मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच खंडवा का रुख कर लेते हैं, इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, किसानों के सामने सबसे बड़ी चिंता यही है कि उन्हें मुआवजा राहत कब मिलेगी। अगर आपके आसपास किसान हैं उनसे बातचीत करिए, आप खेत में मौजूद हैं, कितना नुकसान हुआ वो तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए। इमरान बिल्कुल, देखिए संभव नुकसान का आकलन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए हम इस वक्त एक किसान के खेत में मौजूद है सिरपुर गांव के, और खेत के हालात आप वीडियो में देख सकते हैं साफ कि किस तरीके से जो बेमौसम बारिश है और ओलावृष्टि है वो किस तरीके से किसानों पर टूटी है और किसानों की किस तरीके से मुसीबत बयां कर रही है। फसल देख सकते हैं आप, जो गांव की क्वालिटी है वो कितनी डाउन हो गई है कि जो आज किसान ने लगाई थी कि फसल निकालने के बाद जो उसको भाव मिलेगा उस आस पे भी कहीं ना कहीं बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया। देखिए ये किसान हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं का खेत है। दादा फसल को नुकसान हुआ है? हाँ नुकसान हुआ है ना। क्या कहेंगे कैसे नुकसान हुआ है? कैसा ये पानी मंगलवार की रात में गिरा उसकी वजह से पूरी फसल आड़ी हो गई। अब इसमें कम से कम 60-70% का नुकसान हुआ है, और हमने कर्जा लेके बोनी करी थी, पहले भी सोयाबीन की फसल खराब हो गई, फिर प्याज लगी थी प्याज की भी खराब हो गई, अब गेहूँ की भी खराब हो गई। अब हमने क्या करना, सरकार से निवेदन है तो इसका कुछ मुआवजा दे हमें। अभी तक से जो जिम्मेदार अधिकारी है वो खेत तक नहीं, अभी कोई नहीं आया खेत पे, अभी कोई अधिकारी खेत में नहीं आया। कितने एकड़ में बोया था ये? 1.5 एकड़ के करीब बोया हुआ है, बाकी दूसरे खेतों में भी हुआ है नुकसान। तो अब इसका क्या होगा, जैसे फसल आपके खेत में आली पड़ी है, अब इसका क्या होगा? ये जब खेत सूखेगा, जब काटेंगे तो इसमें क्या बारीक गेहूं एकदम जीरो आएंगे, उसका कुछ भाव मिलेगा? नहीं, भाव कहाँ से मिलेगा इसका, तो ये कोई काम के थोड़ी गेहूं रहेंगे, जीरो हो जाएंगे ना ये। तो देखिए संभव, जो फसल जमीन पे गिर चुकी है हवान जी के कारण वो किसी काम की नहीं है, कोई भाव उसका जो है किसान को नहीं मिलेगा। मतलब अन्नदाता की परेशानी साफ तौर पर हमें देखने को मिल रही है। इस तरीके से उन्होंने सोसाइटियों से कर्जा लेकर और अपनी फसल को बोई थी और उसमें आस में बैठे थे कि अब फसल उगने वाली है, लेकिन बेमौसम बारिश ने उनकी फसल पे जो है पानी नहीं फेर दिया है। जरूर ये दरकार भी अब किसानों की सरकार से है कि जो कर्ज उन्होंने लिया था और कर्ज लेकर जो उन्होंने फसल बुआई की थी, अब उसका यहाँ पर आंकलन जल्दी से जल्दी की जाए, उन्हें राहत मिलनी चाहिए। अमित मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमित, बैतूल की अगर हम बात करें, बैतूल में कितना नुकसान हुआ है, किसानों का क्या कहना है, क्या जो नुकसान हुआ क्या उसका अब तक आंकलन हो पाया है? तो हमला लगातार यहाँ पर सर्वे करने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक किसानों की माने तो उनके खेतों तक जो है राजस्व हमला नहीं पहुंचा है, न किसी के प्रकार की यहाँ पर सर्वे टीम यहाँ पर सर्वे कर रही है, क्योंकि जब ओलावृष्टि हुई उसके बाद जनप्रतिनिधि जाइए और आज आनंद फानंद में विधायक बैतूल जिले के कई गाँव में पहुंचे और उन्होंने किसानों से बात की और जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की सरकार से बात भी इनको देने का आश्वासन दिया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का उनका नुकसान हुआ है, फसलों का क्या क्या लगाया था उन्होंने खेतों में और क्या सरकार से मिले। क्या नाम है आपका? ये भी बताए किस तरह का नुकसान हुआ आपकी फसलों पर, क्या कैसे हुआ? हेलो, आपने क्या लगाया था, किस तरह का नुकसान हुआ है फसलों का? राम साई जान रहता हूँ जी, पूर्व सरपंच जी। मेरी पंचायत में करीब 500-700 एकड़ में गेहूँ गन्ना बाड़ी हुई है, तो गन्ना जो नए पौधे उगले वो बाहर ओले गिरने से उससे भी नुकसान हुआ और गेहूँ की फसल भी तो। अरे कोई सर्वे टीम वगैरह आप लोग? अभी तक कोई नहीं। कितना क्या नुकसान हो रहा फसलों का, किसान क्या कब तक मुआवजा मिलेगा, कोई आपने ऐसा? नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं इस हिसाब से, मतलब सर्वे जी तो उसके लिए अभी तक जो सर्वे टीम है वह किसानों के खेतों तक पहुंचती हुई है। अब देखने होगा कि जो इन प्रशासनिक अमला जो है वह कब तक सर्वे करता है और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कब तक होती है। ठीक है राकेश, दो चीज है मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक तो किसानों ने कर्ज लेकर अपने फसलों की बुआई की थी, वो उन्हें अब नुकसान झेलना पड़ रहा है, कितना जल्द माना जाए कि उन्हें राहत मिलेगी? और दूसरी चीज ये कि अगर हम देखें कि जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां हैं खासतौर पर, उस पर भी मार जरूर पड़ी होगी, जो छोटे किसान होते हैं जो डेली में सब्जियां बेचते हैं, जब ओलावृष्टि हुई तो वो सब्जियां भी जाहिर तौर पर महंगी जरूर हो गई होंगी। सब्जियों के भाव क्या है और सरकार इसको लेकर अब क्या कर रही है, किसानों के लिए कितनी जल्द से जल्द राहत मिलने वाली है? देखिए
देखिए बिल्कुल, हम पूरी प्रक्रिया को समझें तो जो सर्वे की प्रक्रिया है, सर्वे की प्रक्रिया ये है कि मुख्यमंत्री की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जो सर्वे टीम है वो इस बात का इंतजार करती है। ऐसा तो नहीं कि फिर से आपदा आने वाली हो, फिर से यानी अगले 24 घंटे में, अगले 48 घंटे में, क्योंकि जो सर्वे है, सर्वे पूरी तरह से हो, शत प्रतिशत हो, इस पर सबसे अधिक सरकार का फोकस है। अभी हम देखें मौसम केंद्र ने आकलन जो जारी किया है इसमें 1-2 मार्च को मध्य प्रदेश में फिर इसी तरह की आफत आ सकती है, इस बात का आकलन जारी किया गया है। तेज बारिश, ओले, आंधी तूफान आ सकता है। सर्वे टीम फिलहाल हम कहें कि इंतजार करेगी, ये नया संकट आ रहा है, यदि संकट आता है तो उस संकट से नुकसानी का भी आकलन हो सके। सर्वे के आधार पर सरकार कह रही है कि दो तरह से राहत दी जाएगी। पहला तो ये कि जिन फसल का बीमा है उनको बीमा की राशि मिलेगी, इसके अलावा भी सरकार अपनी ओर से जो किसानों को राहत देती है वो राहत देगी। यानी हम कहें कि जो सर्वे की प्रक्रिया 1-2 दिन बाद शुरू होगी और जो बात कही जा रही है 1-2 मार्च के बाद सर्वे शुरू होगा। हालांकि सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जितना उसका उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल हम किसानों की बात करें, किसानों की यही मांग, यही डिमांड है कि जल्द से जल्द सर्वे हो और उनके नुकसान इमरान उसकी भरपाई हो सके। ठीक है इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी इमरान, सर्वे को लेकर भी बात कही गई है और माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते से सर्वे शुरू हो जाएगा, तो क्या अभी तक कोई जनप्रतिनिधि है, क्या वो यहाँ पर किसानों के बीच में पहुंचे हैं? किसानों का क्या कहना है? जो मुख्यमंत्री की ओर से जो आदेश आया है उस आदेश के बाद किसानों में कितनी ज्यादा संतुष्टि देखने को मिल रही है? देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं सभी कलेक्टरों को सर्वे कराने के लिए, उसके बाद किसानों में एक आस जागी है कि सरकार का जो रुख है वो किसानों के तरफ हुआ है। वो किसान को जो है एक आस लगाए बैठे थे जो सर्वे को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब उनको चेहरे पे खुशी दिख रही है कि ताकि जो नुकसान हुआ है उससे कहीं ना कहीं किसानों की थोड़ी भरपाई हो पाएगी। देखिए कुछ जगहों पे पटवारियों की टीम भी पहुंची है और वो जो है ग्राउंड लेवल पे जो है रिपोर्ट भी पेश कर रहे हैं। देखिए कुछ अधिकारियों, जिम्मेदार अधिकारियों से भी हमारी बात हुई थी, उनका साफ कहना था कि टीम जो है सुबह से ग्राउंड पे मौजूद है और शाम तक के जो है वो इस पूरी जो फसल को नुकसान हुआ है उसकी एक रिपोर्ट बना के वो देंगी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है किसानों को मुआवजा तय होगा कि क्या दिया जाए। तो ठीक है, आप किसानों से भी जल्दी से बात कर लीजिए, क्या वो इसको लेकर संतुष्ट है? देखिए बिल्कुल, हमारे साथ राधेश्याम भाई जो किसान है, दादा मुख्यमंत्री ने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, आप थोड़ी सी राहत मिलेंगी? जी मिलेगी ना, दिए हैं तो मिलेगी, देंगे तो मिलेगी ना। क्या चाहते हैं आपके? मुआवजा मिलना चाहिए। कितने एकड़ में बोई थी और कितना नुकसान हुआ है? बोई तो ज्यादा में, लेकिन यहाँ ये जो खेत में अभी आड़ी पड़ी है ये 1.25 एकड़ के करीब है, 1.25-1.5 एकड़ के करीब खेत है। तो इसमें कितनी लागत लगी थी और कितना मुआवजा चाहते हैं? मुआवजा क्या, वो समझ लो कि 10-1 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से तो मिलना चाहिए, 10-15 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से तो मिलना चाहिए। तो देखिए किसानों को आस है कि जो पटवारी है उनके खेत तक के आए और वो सर्वे करे और जो राहत राशि है वो उनको मिले संभव। ठीक है इमरान, आप जब तक जो तमाम तस्वीरें हैं जिस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ वो तमाम तस्वीरें आप दिखाइए, मैं अमित के पास लौट रहा हूँ। अमित, आप भी यहाँ पर लोगों से बातचीत कीजिए, वो कितने संतुष्ट हैं इस आदेश के बाद, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, और साथ ही क्या कोई सर्वे को लेकर कोई अधिकारी इनके बीच में पहुंचे, इनसे कोई बातचीत हुई है? जी सर, यहाँ पर कुछ किसान है उनसे जानना जरूर चाहेंगे कि जो सरकार ने यहाँ पर आदेश जारी किए है तो उससे आगे के बाद किस तरह से आपको लग रहा है कि कितना नुकसान हुआ, आपने किलो में फसले लगे थी, क्या क्या नुकसान हुआ सर? जी क्या क्या नुकसान, गेहूं लगाया था आपने, क्या लगाया था खेतों में? मैंने लास्ट दिसंबर में गेहूं की बोनी करी थी जी, अभी तुरंत ताजिया निकलना चालू थी गेहूं की और जो जो पानी गिरा है उसमें पूरा गेहूं गिर गया। सरकार ने जो आदेश दिया था उसके बाद क्या ऐसा क्या लग रहा है आपको, सर्वे टीम जल्द पहुंचेगी आपके खेतों में, कितना राहत मिल पाएगी आपको? बिल्कुल, हम चाहते यही रहे हैं कि हमारी हल्का बना के और किसानों का। ठीक है ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद अमित आपका किसानों से बातचीत करने के लिए भी, इमरान बहुत धन्यवाद आपका, और राकेश बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो किसानों की ये उम्मीद है कि सरकार ने जो बात कही है कि उन्हें राहत जल्द से जल्द मिलेगी, तो इसको लेकर जरूर यहाँ पर किसानों के चेहरे से जो चिंता थी वो जरूर गायब दिख रही है। लेकिन अब ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बात होगी कि जो बात कही गई है कि राहत कब तक मिलेगी, जो मंत्री जो विधायक कब तक पहुंचेंगे, कब तक सर्वे होगा और कब तक राहत मिलने वाली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।